ना ही सूजी ना ही बेसन, बस दो चीजों से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक, एकदम डिफरेंट स्टाइल में ये ढोकले की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपके घर वालों को सबको पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सबका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही चलते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, यहाँ मैंने एक कप चावल लिए हैं। तो आप कोई से भी जो नॉर्मल घरों में चावल होते हैं आप वो चावल ले 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 लीजिएगा, इसमें कोई भी और चावल मत लीजिएगा। मतलब जो नॉर्मल घर में होते हैं, आप कोई से भी चावल जो आपके पास हो आप वो चावल ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने आधे कप चने की दाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी आप चावल की रखिएगा उससे हाफ ही आप चने की दाल की क्वांटिटी रख लीजिएगा। इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा ताकि कोई भी डस्ट हो तो वो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है। तो दही अगर आपका बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप उसी हिसाब से डालिएगा, अगर आपका थोड़ा सा कम खट्टा है, नॉर्मल दही है, तो आप 1 कप दही लीजिएगा। इसमें मैंने आधे कप से भी कम पानी डाला है। और इसको ये देखिए, हमारा जो मतलब बैटर है वो पूरी तरह से हमको इसको भिगो देना है, दही और थोड़ा सा पानी डाल के आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे कोई चने की दाल में और चावल में कोई भी मतलब आपस में लम्स ना हो। तो ये देखिए, मैं आपको स्पून की सहायता दिखा रही हूँ। तो ये स्पून इजीली इतना डिप हो जा रहा है, बस हमको इतना ही डिप करना है, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना है। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा कम है तो आप उसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऐड किया है पानी। तो थोड़ा सा पूरे दाल चावल हमारे अच्छे से डूब जाने चाहिए, एक भी पानी मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक भी दाल चावल बाहर दिखने नहीं चाहिए, बस अच्छे से डूब जाने चाहिए। इसके बाद इसको रख देंगे। तो मैं यहाँ ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ, आप इसको 7 से 8 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। इसके बाद ओवरनाइट होने के बाद ये देखिए, जो हमारे दाल और चावल हैं वो अच्छे से आपस में बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं दाल और चावल। और ये देखिए, बिल्कुल भी पानी हमारा इतना ही बचा है, जो दही और पानी हमने अच्छे से मिक्स किया था बस इतना ही बचा है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक मिक्सी का जार ले लेंगे, इसमें हम दाल और चावल अपने पानी के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हमको ऊपर से पानी ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर आपके दाल और चावल पूरा पानी सोख लेते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड कर सकते हैं, पर ऐड तब करिएगा जब आपका बैटर बाउल में ही हो, मिक्सी के जार में पानी ऐड मत करिएगा। इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला के इसको एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही बारीक पेस्ट हमको इसको बना के रेडी कर लेना है। और जो भी बैटर है उसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद उसी बैटर में हमको यहाँ मिर्ची डाल देना है। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली है, आप मिर्ची की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं तीखे के हिसाब से। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्ची का प्रयोग किया है। अब इसके बाद यहाँ कुछ अदरक के पीसेस डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 2 टुकड़े अदरक के डाले हैं, आप अदरक भी मतलब डालिएगा, जरूर डालिएगा। इसके बाद यहाँ मैं चीनी डाल रही हूँ, यहाँ मैंने 1.5 चम्मच चीनी ली है। अगर आप चीनी खाना नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप चीनी ज़रूर डालिएगा, इससे आपके ढोकले का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत टेस्टी निकल के आएगा। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पीसने के बाद पूरा बैटर हम उसी बाउल में अच्छे से निकाल देंगे। तो मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ही बारीक पेस्ट बन के हमारा रेडी हो गया है, कोई भी इसमें लम्स नहीं है, कोई भी गुठलियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका बिल्कुल परफेक्ट डो बन के, जैसे सूजी और उसका बेसन का होता है वैसे डो बन के हमारा रेडी हो गया है। मैं आपको बीच में ये देखें, जो हमारी लाइन है वो आपस में जुड़ नहीं रही है, तो हमारा बैटर बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। इसमें हमको पानी यानी कुछ भी ऐड नहीं करना है और बिल्कुल ही बारीक पेस्ट बन के रेडी हुआ है। बस आपको कोई भी लम्स बहुत मोटा मत करिएगा, जितना ही बारीक हो सकता है आप इसको पीस लीजिएगा। इसके बाद यहाँ मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर। इसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और हल्दी पाउडर नमक को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारा बैटर है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मतलब कलर के लिए हल्दी डाल देंगे, उसको भी आपस में आप अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसके जगह येलो फूड का कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हल्दी डालेंगे
तो इससे भी आपका ढोकला बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो आप एक बार जरूर इस नाश्ते को जरूर बनाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इसके बाद कोई भी लम्स या तो गुठलियाँ नहीं होने चाहिए, जो भी हो तो आप उसको अच्छे से उसी बैटर में अच्छे से तोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ मैंने ऑयल डाला है, तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया है। आप चाहें तो इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल कोई से भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच ऑयल डाला है, बस हमको इससे ज़्यादा नहीं डालना है। ऑयल से ये होगा कि हमारा नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफी और बहुत ही जालीदार बनेगा। तो एक बार ज़रूर इसको ऑयल को डाल देंगे और सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हमको इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम कोई प्लेट या कोई थाली ले लेंगे। आप इसको ढोकले के स्टैंड में बना सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या तो कोई भी थाली ले सकते हैं, उसमें भी आपका नाश्ता बहुत ही इजीली बन जाएगा। इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके बाद खड़े बाट की ही थाली लीजिएगा ताकि जो हमारा नाश्ता हो वो अच्छे से स्पंजी और जब फ्लफी बनेगा तो हमारा बैटर कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ मैंने 1/2 चम्मच इनोफूल सॉल्ट का प्रयोग किया है और ये देखिए डालते ही हमारा नाश्ता जो हमारा बैटर है वो कितना फ्लफी हो गया है। आप कोई इसकी जगह मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास इनो नहीं है। इसको डालने के बाद बस हमको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इतना मिक्स करना है कि हमारा बैटर में सारी चीज़ें आपस में एक बार फिर से अच्छे से मिक्स हो जाए। पूरे बैटर को हम इसी में अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए मैंने पूरा बैटर अपना इसमें डाल दिया है। आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनेगा और आपके घर वालों को सभी को पसंद आएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको अपने बच्चों के लिए भी इंजॉय कर सकते हैं कभी भी चाय के साथ। और इसके बाद यहाँ एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी और जाली रख के इसको स्टीम होने के लिए 7 से 8 मिनट तक स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने पहले 2 से 3 मिनट तक स्टीम कर लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा से लाल मिर्च का पाउडर ऊपर से स्प्रिंग कर दूंगी ताकि जो हमारा नाश्ता है वो देखने में बहुत यूनिक और बहुत टेस्टी लगे। इसको फिर से हम ढक के 3 से 4 मिनट तक हम फिर से इसको कुक कर लेना है। 3 से 4 मिनट टोटल हमको इसको 7 से 8 मिनट तक ही कुक करना है। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए हमने नाइफ डिप करके देखी, आप टूथपिक नाइफ कुछ भी डिप करके देख लीजिए, बिल्कुल क्लीन आए तो जान जाइएगा कि हमारा नाश्ता पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसके बाद ये देखिए जैसे हम इसको नाइफ से कट करते हैं हमारा नाश्ता कितना फ्लफी, कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार बन के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कि जब हम नाइफ से कट कर रहे हैं तो हमारा नाइफ पूरा ही अंदर जा रहा है, बिल्कुल भी कोई भी टाइट नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है नाश्ते को। अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो आपका भी ये नाश्ता बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनेगा। इसको हम अच्छे जैसे ढोकले के पीसेस होते हैं उसमें हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो आप छोटे साइज के, मोटे साइज के, बड़े साइज के, आप कोई भी साइज के अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो कि आपको जैसे कट करना है आप उसको ऐसे हिसाब से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है और हमारा नाश्ता है जो बन के रेडी हो गया है। मैं आपको एक मतलब नाश्ता निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से इसमें कोई भी क्रैक नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत ही, ये देखिए बहुत ही स्पंजी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मतलब यूनिक रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना जालीदार बना है। मैं आपको दूसरा भी इसी तरह निकाल के दिखा रही हूँ, ये आप बहुत ही ईजिली निकल भी आएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए हमारा दूसरा नाश्ता भी मैं आपको निकाल के दिखा दी हूँ, बिल्कुल ही सॉफ्ट, बिल्कुल ही फ्लफी, मतलब बहुत टेस्टी नाश्ता बनेगा। एक बार इस रेसिपी की, ढोकले की इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स सच में बहुत टेस्टी बनेगा। इसके बाद इसमें हम कुछ तड़के लगा लेंगे। यहाँ मैंने तड़के में थोड़ा सा 1 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच राई और 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने यहाँ कड़ी पत्ता डाला है। तो अगर आप मीठा हमने पहले ही ऐड कर दिया है, अगर आप उस स्टेज में मीठा नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें चीनी का घोल भी इस तरह से डाल सकते हैं। सारे बैटर में थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा पानी डाल के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने बैटर में ही पहले से चीनी ऐड कर दिया था इसलिए मैंने नॉर्मल वाला ही तड़का इसका इस्तेमाल किया है। और ये देखिए तड़के के बाद जो हमारा नाश्ता है, किसी को भी आप सर्व करेंगे वो आपकी बहुत तारीफ करेगा। मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।